मेन्यू के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताऊंगा कि जैसे मिस्टर भटनागर ने कहा, मैं जीएम सर ने, कि हमने जो ये खाना यहाँ बनाया है ये पूरा हमारा रॉयल किचन ऑफ निज़ाम पैगा डायनेस्टी के जो लाइनें से चला रहा है उनकी जो किचन है उनकी टीम को लेते हुए हमने साथ में बनाया है। और ये सिर्फ एक दिन की प्लानिंग नहीं है या दो दिन की, एक हफ्ते की नहीं है, इसमें हम लोग दो महीने से ट्रायल करते आ रहे हैं ताकि हम जो कुछ भी सर्व करें एक ऑथेंटिक हैदराबाद। जनरली क्या होता है, एक स्टार होटल के अंदर हम लोग कोर्स वाइज पूरा फॉलो करते हैं, सैलेड, सूप, फिर उसके बाद स्टार्टर्स, फिर मेन कोर्स, फिर साथ में कंप्लीमेंट्स, रोटी, पापड़ और स्वीट, फिर पान, ऐसा करके फॉलो करते हैं। पर ऑथेंटिक हैदराबाद में, जैसे इस रिसर्च के थ्रू मैंने गेन किया, एक बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करी है कि हैदराबाद में वेजिटेरियन करके कुछ नहीं है। हैदराबाद जो फेयर है खाने के बारे में, उसमें वेजिटेरियन नाम का कुछ मायने नहीं रखता। उसमें पूरा जो है नॉन वेजिटेरियन के ऊपर खाना जो है मांसाहारी ज़्यादा महत्वता दी जाती है। दूसरा, हमारे जो प्रिपरेशन मेथड्स है, हम लोग अपने होटल में जो बिरयानी बनाते हैं, इस होटल में गोलकुंडा में USP रहा है हमारी बिरयानी, काफ़ी हद तक हम लोग ओरिजिनल जो मेथड्स हैं उसको फॉलो करते हैं। कोयले के दम देके उसको तवे के ऊपर वो सब करके गैस बर्नर पे कम से कम बनाते हैं, फिर भी उतना ऑथेंटिक नहीं होता 100%, क्योंकि कई किसी हद पे हमारी लिमिटेशंस होती हैं कि हमको जो है खुले में नीचे रख के हमको नहीं करना पड़ता खाना बनाना, जो भी रखना है एक हाइट पे बना के, एक पर्टिकुलर हाइट पे, ये सब प्रिंसिपल जो है फॉलो करने पड़ती है। पर इस फेस्टिवल के लिए हम लोगों ने प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, ऑथेंटिक रेसिपीज और ऑथेंटिक प्रिपरेशन मेथड्स, मेरी एक टीम ने, जो ये सर ने नाम लिया मीर आसिफ अली जी का, उनके किचन में जो रॉयल निज़ाम के किचन चली आ रही है पुश्तों से, उस टीम के साथ मिलके रेसिपीज़ को डेवलप करके यहाँ पे वो खाना रखा है। एलोबरेट मेन्यू कहेंगे तो चौकी के हिसाब से एकदम एलोबरेट मेन्यू है, लेकिन ध्यान में रखते हुए कि सब कुछ चौकी पे एक साथ रखने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि गेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो खाने का है लुत्फ़ उठा सके, जो हमारी पहचान है इस होटल की खाने के बारे में उसको आगे और बढ़ा सकें। कुछ आइटम्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि है लुकमी है, पत्थर का गोश्त है, हलीम है, तूतक है, पाया मरक, दम का मुर्ग, और हैदराबाद की सबसे स्पेशलिटी जो एक कह सकते दम गोश्त बिरयानी, मिर्ची का सालन, दही की चटनी, ये सब है। और इससे भी बड़ी बात, उस चीज़ को नहीं भूलते हुए, उबाने का मीठा, ये एक दिन में है, रोज़ हमारा चेंज होता रहेगा। तूतक जो काफ़ी लोग लुकमी जानते हैं लेकिन तूतक काफ़ी लोग भूल चुके हैं, वर्की समोसा खाते होंगे लेकिन नाम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम जितना से जितना ऑथेंटिक रह सके उतना, लेकिन अपनी हाइजीनिक एक स्टार कैटेगरी को मेंटेन करते हुए, तो इस दोनों चीज़ का फ्यूजन करते हुए हम लोग अपना काम करते आ रहे हैं।